हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं अगेन एक न्यूली लॉन्च फेस वॉश का रिव्यू। गाइस, अभी रीसेंट में लैक्मे ने अपना इतना अफोर्डेबल फेस वॉश लॉन्च किया कि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये फेस वॉश तो अंडर 150 रुपीज़ है लैक्मे ब्रांड से। एंड गाइस, लेटेस्ट लॉन्च है ये, है गाइस लैक्मे का मिसलर प्योर मिसलर फेस वॉश, जेंटल क्लेंजिंग, ब्राइटन्स एंड हाइड्रेट्स, रिमूव एवरी डे मेकअप। सो गाइज, ये लैक्मे का एक न्यू रेंज लॉन्च हुई है जिसमें इन्होंने मिसलर रेंज लॉन्च करी है, जिसका दूसरा प्रोडक्ट जो है ये है गाइज, इसका मिसलर वाटर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका मैं रिव्यू आपको आगे शेयर करूँगी, बट अभी हम बात कर लेते हैं इसके फेस वॉश के। फेस वॉश कहता है कि ये डिज़ाइन किया गया है एक्सपर्ट मिसलर टेक्नोलॉजी के साथ। ये एक क्रीमी फेस वॉश है जो कि हेल्प करता है, रिमूव करता है मेकअप को, डस्ट को, ऑयल को फेस से, और स्किन को आपको ज़्यादा हार्शली रब नहीं करना पड़ेगा। ये जेंटल फेस वॉश है जो कि क्लेंस करता है आपके फेस को विदाउट एनी रेसिड्यू, मतलब कुछ भी आपके फेस में मेकअप या गंदगी कुछ भी ये नहीं छोड़ेगा, और ये आपकी स्किन को फ्रेश एंड ग्लोइंग बनाने में मदद करेगा। तो गाइज, ये जो फेस वॉश है ये एज अ टू इन वन वर्क करता है, आपको फेस वॉश का तो रिजल्ट देगा ही, साथ में आपके मेकअप को मेल्ट करके रिमूव करने में भी ये मदद करेगा। तो एज अ बहुत ही अफोर्डेबल ये प्रोडक्ट है गाइस। इसका प्राइस है, ये आता है 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ मात्र 149 रुपीज़ का। MRP इसकी 149 रुपीज़ है। आफ्टर डिस्काउंट आप परचेज़ करोगे तो 90-80 रुपीज़ में ये आपको सेल में मिल जाएगा। मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया, आप देखना धीरे धीरे ये नायका में भी अवेलेबल हो जाएगा, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं और लोकल स्टोर्स में भी ये अवेलेबल रहेगा। गाइस, बात करूँ पैकेजिंग के बारे में तो ये आता है ब्लू कलर की, बहुत ही ज़्यादा क्यूट पैकिंग में, बहुत क्यूट कलर है, और बैक में प्रोडक्ट की पूरी डिटेल है, कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ नहीं आते हैं, और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। एक अगर आपने कभी क्लिनजिंग बाम टाइप के यूज़ किए होंगे, मिसलर बाम जो होते हैं, उसकी तरीके थिक सी कंसिस्टेंसी है। फ्रेगनेंस गाइस इतनी यूनिक है लैक्मे की, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में एक जैसी फ्रेगनेंस आती थी, लेकिन इस बार इन्होंने फ्रेगनेंस में बहुत डिफरेंस किया है, फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये प्रोडक्ट यूज़ करने का तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ, अपने फेस पे इसको यूज़ करके फर्स्ट दिखाती हूँ। गाइस, इसको आपको लेना है स्मॉल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, कॉइन साइज़ ले लो अगर बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, और वाटर के साथ इसको पाम की मदद से फेस पे रब करना है। एंड गाइस, जब ये लेदर अच्छे से बन जाए उसके बाद आप अपने फेस को वाटर से रिंस आउट कर सकते हैं। गाइस, ये फेस वॉश की तरीके नॉर्मल यूज़ होता है, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेस है वो कितना क्लीन एंड क्लियर नज़र आ रहा है। गाइस, सारा मेकअप रिमूव हो गया, इसीलिए मैंने मेकअप करके इसको यूज़ किया, सारा मेकअप रिमूव हो गया है, और थोड़ी बहुत लिपस्टिक रह गई है तो मैंने वहाँ पे इसको रब भी नहीं किया था, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छे से मेकअप को, गंदगी को, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड काम बना देता है। मैंने बहुत सारे मेकअप रिमूवर यूज़ किए, उसके बाद स्किन बहुत ड्राई सी, घिची घिची सी हो जाती है, लेकिन इसको यूज़ करने पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये मुझे अच्छी बात लगी। एंड गाइज, इसकी इंग्रीडियंट लिस्ट आप देख सकते हैं, इंग्रीडियंट लिस्ट में इसमें वाटर है, एंड गाइज इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट भी है, प्रोपलीन है, ग्लाइकोल है, ग्लिसरीन है, माइस्ट्रिक एसिड है, लॉरिक एसिड है, पोटेशियम है, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल डाला गया है, नायासिनमाइड भी है इसमें। सो गाइस, इसमें पैराबेन नहीं है, ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है। बाकी इसमें केमिकल्स हैं जो आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट की इंग्रीडियंट लिस्ट में, और जब इंग्रीडियंट लिस्ट से सेटिस्फाइड हो तभी कोई प्रोडक्ट यूज़ करें, और फर्स्ट टाइम यूज़ करने पर पैच टेस्ट ज़रूर करें। सो ये फेस वॉश मैं उनको रिकमेंड करूँगी जो मेकअप करते हैं, मेकअप निकालने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और चाहते हैं कि कुछ एक प्रोडक्ट यूज़ करें और इन सारा काम हो जाए। जब मेकअप करके आओ रात में, कभी थके होते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करें, लगता है कि कुछ सिंपल सा लगाओ सारा मेकअप रिमूव हो जाए, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस, जब आपने मेकअप किया हुआ है, आप ऐसा टू इन वन यूज़ कर लेंगे तो आपको अलग से मिसलर वाटर, फिर उसके बाद फेस को वॉश करना, ये सब अलग अलग स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, तो ये आपके काम को, मेकअप रिमूविंग स्टेप्स को ईजी कर देगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको उसका एक ड्रॉबैक मैं बता देती हूँ, अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप किया हुआ है तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा लगेगा बस, और कोई मुझे इसके नुकसान नहीं लगे, अच्छा प्रोडक्ट लगा,
मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, जिनका बजट कम है वो ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, ये था एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक रखें आप अपना ख्याल। टेक केयर, बाय।